हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं डैशबोर्ड्स के ऊपर, और मैं इस तरह का एक डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? चाहिए बैकग्राउंड डिजाइन, क्योंकि पिक्चर वगैरह रखूंगा या जो भी रखूंगा, फिर स्ट्रक्चर चाहिए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, हालांकि डैशबोर्ड मेरा नहीं है, मैं इंटरनेट गूगल से कॉपी किया है। गूगल पीमे में जाके डैशबोर्ड सर्च किया हूँ तो आया है। तो ये पावर बीआई का डैशबोर्ड है, बट मैं एक्सेल में बनाना चाहता हूँ। तो देखिए कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मुझे इसका बैकग्राउंड तैयार करना हो। जैसे देख पा रहे हैं कि जो बैकग्राउंड है वो येल्लो कलर का है। तो हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं पेज लेआउट के ग्रिड लाइन में, और एक संभावित एरिया ले लेता हूँ जहां तक मुझे बनाना है। एक ज्यादा ही ले लूंगा, बाद में कम ज्यादा किया जा सकता है। तो मैंने एक्स तक लिया और नीचे 40 तक लेके मैंने सिलेक्ट करके इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर को कर दिया ए वाला पीला, नहीं ए वाला। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम देखिए ऊपर यहाँ पे साइड में इस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन बना हुआ है, तो येलो है ये। उसके बाद इस तरह से गया हुआ है, कटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए यहाँ इंसर्ट करते हैं सै, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको ताकि डिजाइन करने में बनेगा। सैप में आते हैं, तो सैप में ए वाला सैप है, इसी को हम लेते हैं। हालांकि इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे सैप्स हैं, जो लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ऐसा सैप नहीं है जो मैं उसको उस तरह से यूज कर सकूं जो है उसमें। तो कोई बात नहीं, मैंने स्क्वायर को ही ले लिया यहाँ से, और इस स्क्वायर को यहाँ से डिजाइन किया। इतना 5 तक लेते हैं, 5 ज्यादा बहुत ज्यादा है। अब इसको यहाँ से हम कर देते हैं वाइट, वाइट बैकग्राउंड एंड कलर जो है, कलर में ए वाली कलर बॉर्डर की कलर जो ए वाली ले ली, तो जिससे लगेगा कि ये है। इसके बाद यहाँ एडिट सैप पे आते हैं, और यहाँ पे एडिट पॉइंट, एडिट पॉइंट के अंदर एक बार देखते हैं क्या है। ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो नीचे वाले को मैंने यहाँ से इस तरह से कर दिया, तो नीचे वाला बिल्कुल छोटा हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से छोटा हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मुझे यहाँ येलो, एक येलो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा फिर मुझे एक और शेप चाहिए, इस तरह से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो मैं ब्लैक, इसका ब्लू कलर का चाहिए, तो इंसर्ट करके मैं यहाँ से शेप में ब्लू कलर का ही ले लेता हूँ। यहाँ डिजाइन करता हूँ स्ट्रक्चर यहाँ। ध्यान रखिएगा इसमें इसका जो बैकग्राउंड है ये यहाँ से नो फिल कर दीजिए, इसका बॉर्डर लाइन बॉर्डर हटा दीजिएगा, तभी सही से दिखेगा, अदरवाइज दिक्कत रहेगा। फिर इसको कॉपी किया मैंने और इसको छोटा करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ, इसका बड़ा रहेगा, सही रहेगा। क्या आप देख पा रहे हैं ये आपका बड़ा ही है? हाँ, इसको भी मैं, हाँ दो रही है, बड़ा ही है, और इसको छोटा और छोटा। थोड़ा सा इसको नीचे और कर दिया, फिर इसी को कंट्रोल से प्रेस करके कॉपी कर लीजिए एंड रोटेट करके सीधा कीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, इसको यहाँ पे ऊपर के साइड में रखिए और इसको यहाँ से बड़ा कर दीजिए।
परफेक्ट हो गया। जैसे यहां, जैसे यहां पर, बट यहां ये थोड़ा सा हमने, हमारे में क्या हो गया कि ऊपर तो छोटा सा ही है, ये नीचे का साइज भी सही है, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। नहीं, ये रहने दीजिए, वो हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे यहां पर ये है, उसी तरह से मैं इसी को रोटेट कर देता हूं। इसमें उल्टा होना चाहिए। इसमें क्या है कि वापस हम आते हैं सेव फॉर्मेट में, एडिट पॉइंट्स, और इसको यहां तक बढ़ा इस तरह से। और एडिट पॉइंट, सर्च एडिट पॉइंट्स, थोड़ा सा इसको छोटा किया, ये छोटा रहेगा इसके साइड में। और यहाँ आते हैं सेव फॉर्मेट, यहाँ पर आते हैं एडिट पॉइंट्स, ऊपर से इसको लेके यहाँ लेके जाते हैं, नीचे वाले को लेके यहाँ आते हैं। सटा दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखें, नीचे पीला नहीं, सटा हुआ है, पीला नहीं। बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें जो हमें लिखना है वो हम लिख देंगे, यहाँ इसके अंदर जो रखना है उसको हम सेव रखेंगे। अब इसकी मैं 100% तक लेके जाऊं तो आप देखेंगे ये सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल परफेक्टली। अब इसके अंदर मैं ग्लोब का साइन देता हूं। हम यहीं पे गूगल पे आते हैं, यहाँ पे हम ग्लोब लोगो का लेते हैं और यहाँ से एक ग्लोब उठाते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज, और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे रख के हम पेस्ट करते हैं, सॉरी राइट क्लिक, कॉपी इमेज, यहाँ पेस्ट करते हैं। ओ सॉरी, बैकग्राउंड ये व्हाइट व्हाइट करके आ गया। ऐसे लेते हैं जिसके पीछे का बैकग्राउंड पूरा का पूरा व्हाइट हो। ये सही है, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, इसकी साइज को छोटा करते हैं और यहाँ इसके अंदर फिट करते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर, यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं, वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट लेते हैं और वर्ड आर्ट के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाइट कलर में, सही रहेगा, देते हैं ग्लोबल इसको उठाते हैं और यहाँ ऊपर में डाल थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लीजिए। क्या हो रहा,
कुछ करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे मुझे एक इमेज चाहिए होगा इसके अंदर, तो हम यहाँ पे टैग इमेज सर्च करते हैं, टैग इमेज सही रहेगा, तो इसी इमेज को लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, सॉरी कट कीजिए, छोट कट करता हूँ मैं यहाँ से। ये नहीं ले रहे मुझे इसके ऊपर रखा, मुझे सिर्फ जो है इमेज जो है जो चाहिए इसी साइज का इमेज चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट में भी जा सकते हैं, पीपीटी में, पीपीटी में भी इसका उपाय है, बताता हूँ। इसको यहां से हटाया, इसको यहां से हटाया, अब इन दोनों को सेलेक्ट करके हम यहाँ से कट करते हैं, कट करके यहाँ आते हैं, पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे हमने लिया इसको, यहाँ तक मैं तक ले लेता हूँ इसका, मुझे क्या चाहिए कि जितना बड़ा साइज है ना वही चाहिए यहाँ पे, इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ इमेज इमेज के अंदर ही इसे यहाँ पर इमेज नहीं यहाँ पे यहीं पे सेव फॉर्मेट के अंदर मर्ज सेव, अगर मैं यूनियन कर दूंगा या कंबाइन करूंगा या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा, इंटरसेक्ट सही रहेगा, नहीं एक मिनट सेव फॉर्मेट, ये जो है इसको राइट क्लिक कर रिंग फ्रंट कर, अब यहीं पे आते हैं सेव फॉर्मेट में, सेव फॉर्मेट यहाँ नहीं मर्ज नहीं रहा चलेगा सही, कंबाइन भी नहीं चलेगा, नहीं इंटरसेक्ट सब जा, अच्छा इसमें नो फिलर करने, तो हमें नो फिल करना, अब इसको यहां से हम कट करते हैं और ले जाते हैं अपने डेटा के, और यहाँ पे इसको हटाते हैं, डिलीट करके हटा दीजिए और इसको इस तरह रख दीजिए, इसको यहाँ से छोटा कीजिए, परफेक्ट है। जैसा आपने देखा कि हमने इसी की डिजाइन की कॉपी करने की कोशिश की और अच्छी तरह से कॉपी हो चुका है, कि इस ये जो बना हुआ है इसके पीछे जो आप बोलेंगे जैसे पावर पॉइंट इसने कैसे बनाया, तो इसके पीछे इसने इमेज वॉल पेपर लगाया हुआ है, इसने इसके पीछे वॉल पेपर लगाया हुआ है, और इसके वॉल पेपर बनाने के लिए फोटोशॉप कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, बट हम एक्सेल पे भी इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे परफेक्टली डिजाइन हुई है। चलिए तो इसी साथ बने रहे, हमारी डैशबोर्ड की क्लास ज्वाइन करना चाहे तो सैटरडे रात को 9 बजे हमारी एक बैच शुरू हो रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फीस मात्र 2500, जिसमें हम डैशबोर्ड पावर बीआई सब कुछ कवर करेंगे। थैंक यू।